इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट 2 चैप्टर 6 2.6 चेजिंग द सी मॉन्स्टर जो पेज नंबर 43 में दिया गया है। चेजिंग द सी मॉन्स्टर, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है, इस लेसन में क्या दिया है। आर फ्रिगेट वॉन्टेड टू गो बैक बट द अनअर्थली एनिमल केम एट अस विथ अ स्पीड डबल आवर ओन। अब फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल स्पीडी शिप जो वॉर के टाइम यूज होता है, तो वो वापस जाना चाहता था, पर एक अनअर्थली एनिमल मतलब जो इस अर्थ का नहीं हो, एक अजीबोगरीब एनिमल जो स्ट्रेंज हो, ऐसा एनिमल आ जाता है विद अ डबल स्पीड आवर ओन, बहुत स्पीडली, ज़्यादा डबल स्पीडली वो आ जाता है। वी गैस्प्ड मोर स्टन्ड देन अफ्रेड, वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस। वी गैस्प्ड मतलब मुंह खुला रखना, मतलब आश्चर्यचकित होकर अपन एकदम मुंह खुला हमारा खुला का खुला रह जाता है उस टाइप का, मतलब हम डरे नहीं पर हम आश्चर्यचकित हो गए, वो मुंह हमारा खुला का खुला रह गया उसे देख के, हम चुपचाप मोशनलेस मतलब कोई बिना हिले डुले वही खड़े रहे। द एनिमल कॉट अप विथ अस प्लेड विथ अस, तो एनिमल ने हमें इस तरह पकड़ लिया कि वो हमारे साथ खेल रहा था, हमारे आजू बाजू घूम रहा था। इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट एंड रैप्ड अस इन अ शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वर लाइक ल्यूमिनस डस्ट, तो वो हमारे जो शिप है उसके आजू बाजू घूम रहा था और वो एक इलेक्ट्रिसिटी शीट की तरह हमें रैप कर रहा था, हमें घेर रहा था। दैट वर लाइक ल्यूमिनस डस्ट, जो ल्यूमिनस डस्ट मतलब फुल ऑफ लाइट, ल्यूमिनस मीन्स लाइट, जैसे डस्ट से घेर रहा था। एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश्ड अगेंस्ट आवर शिप, कुछ किसी भी समय वो हमारे शिप से टकरा सकता था। Meanwhile, I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. तो उसी बीच I was surprised, मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि जो हमारा वॉरशिप था, जो फाइट शिप था जिसे वॉरशिप कहते हैं, तो वो भाग रहा था, लड़ने की बजाय भाग रहा था। I commented on this to Commander फेरागट, तो मैंने कमांडर फेरागट को बोला। हिज फेस ऑर्डिनरीली सो इमोशनलेस शोड ग्रेट अस्टनिशमेंट, तो उसका फेस भी बहुत इमोशनलेस था और वो भी सरप्राइज था। तो प्रोफेसर एरोनेक्स ही आंसर्ड मी, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ fearsome creature I am up against and I don't want my frigate running foolish risk in all this darkness. तो प्रोफेसर एरोनेक्स कहते हैं, आंसर करते हैं, आई डोंट नो what kind ऑफ fearsome creature, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह का ये क्रीचर है, एकदम डरावना। I don't want my frigate running foolish risk in all this darkness. मैं नहीं चाहता जो मेरा frigate है, मेरा जो ship है, वो उससे लड़कर कोई risk ले हम लोग, ये foolishness होगी। मतलब वो इतना शक्तिशाली और डरावना creature था कि उससे हम लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? Let's wait for daylight and then we'll play a different role. तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं अपने उस जो unknown creature है
उसको कैसे उस पर अटैक कर सकते हैं, अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम देखेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या उपाय बन सकता है। द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग, नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग, अनएबल टू कम्पीट विद द मॉन्स्टर स्पीड और फ्रेजाइट। द अब्राहम लिंकन स्लो डाउन। तो जो पूरा क्रू था वो शिप का, वो रात भर नहीं सोया, वो अपने पैर वो खड़ा ही खड़ा वो सब खड़े ही खड़े थे, रात भर नहीं सोए वो लोग। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग। तो वो उस मॉन्स्टर से, जो स्पीडी मॉन्स्टर था, उससे लड़ नहीं सकते थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन स्लो डाउन। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो स्लो डाउन हो गए। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मेमेज द फ्रिजेट सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल। तो फॉर इट्स पार्ट, तो जो एनिमल है वो मिमिक कर रहा था फ्रिजेट का, मतलब वो नकल उतार रहा था। हाँ, सिंपली रोड विद द वेव्स, वो वेव्स के साथ अब सिंपली घूम रहा था, बट उसने वो फील्ड ऑफ बैटल वो जगह नहीं छोड़ी, वो एनिमल ने वो जगह नहीं छोड़ी, वो घूमता रहा उसके आसपास और नकल उतारता रहा। हाउएवर नियर मिडनाइट इट डिसअपीयर्ड, और टू यूज अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लोबॉम। तो नियर मिडनाइट, आधी रात को वो अचानक डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया। और टू यूज अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लोबॉम। और हम मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं, अच्छे वर्ड में बोल सकते हैं कि वो एक ग्लो वॉर्म, मतलब चमकता हुआ वॉर्म, जो मतलब समुद्र में ऐसे चमकते हुए जानवर मिलते हैं जो बहुत चमकते हैं, उस तरीके की चमक से वो चला गया, वो डिसअपेयर हो गया। हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस वी डिंट नो एंड वर फील्ड विथ फियर एंड होप एट द सेम टाइम, बट एट 12:53 deafening his could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with tremendous intensity. Sound आ रहा था, जो bubbles का sound. It had fled from us. क्या वो चला गया है? ऐसा वो कहते हैं. We didn't know and were filled with fear and hope at the same time. तो कहते हैं हम नहीं जानते हैं क्या वो चला गया है कि हमारे आसपास है, अभी भी वो कुछ जानते नहीं, पर उनमें डर था। बट एट 12:53 और डिफेंड हिज कुड बी हर्ड, तो 1 बजे के आसपास, मतलब 12:53 के आसपास एक हिस की एक आवाज़ उनको आई, मतलब कैसा वो रिजेंबल कर रहा था, कैसा प्रतीत हो रहा था कि वो आवाज़ एक पानी के जो बबल्स है वो ट्रिमेंडस, मतलब बहुत सारा आवाज विथ एक जोर से, बहुत सारे आवाज बबल्स की तरह आ रहा था। बाय देन कमांडर फॉर फेरगट नेड लैंड एंड आई वर ऑन द आफ्टर डेक पियरिंग ईगरली इनटू द डार्कनेस। और जो कमांडर फेरगट थे, जो नेड लैंड एंड आई, जो आफ्टर डेक के कमांडर थे, देवर ऑन द आफ्टर डेक पे वो दोनों थे, नेटलैंड और कमांडर फेरगेट, वो ईगली डार्कनेस की तरफ देख रहे थे, अंधेरे की तरफ देख रहे थे। ठीक है, फिर टेल मी नेटलैंड इजन दैट द नॉइज कैटाशियस मेक व्हेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स। तो नेटलैंड कहते हैं कि टेल मी कि ऐसा नहीं लग रहा ये नॉइज
सिटेसिन्स, सिटेसिन्स मतलब मरीन एनिमल्स, जैसे वेल हो गई, तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नॉइज़ है वो वेल की तरह को आ रही है, जो अपना जो पानी अपने नोज से जो बाहर निकालती है फ्रॉम देयर ब्लो होल्स, है ना, ब्लो होल्स, उनके जो एक होल्स रहता है उनके सर के ऊपर, वो तो वहाँ से वो पानी निकालते हैं और इतनी फोर्सफुली निकालते हैं कि वो वाटर बबल्स की तरह, बहुत सारे बबल्स की तरह बाहर आते हैं फोर्सफुली। तो वो वही बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई वेल की आवाज़ आ रही है जो अपने अपने नाक में से पानी निकाल रहा है बाहर। द वेरी नॉइज़ सर, बट दिस वंस वे लाउडर, सो देर कैन बी नो मिस्टेक, देर इज डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन आवर वाटर्स। तो वो कहता है यस सर, ये तो पहले से भी ज़्यादा लाउड नॉइज है, सो देर कैन बी नो मिस्टेक, तो ये हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। देर इज डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन आवर वाटर, तो हमारे जो वाटर में है एक वेल, डेफिनेटली एक वेल है जो छुपी हुई है। नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग द कोर ऑफ लाइट रीअपीयर्स 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन। तो नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग एक द कोर ऑफ लाइट रीअपीयर्स, मीन्स एक लाइट की रोशनी आई, रीअपीयर्स हुई, जो 5 miles अवे थी अब्राहम लिंकन से। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट गेटिंग रेडी फॉर एक्शन। रेलिंग गियर्स वॉज सेटअप अलॉन्ग द रेलिंग। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट, तो हम दिन तक रुके रहे, अलर्ट रहे, एंड गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, तो एक्शन लेने के लिए रेडी थे। रेलिंग गियर वॉज सेटअप अलॉन्ग द रेलिंग, तो जो वेल है उसको पकड़ने के लिए जो सेटअप था वो रेडी था। आवर चीफ ऑफिसर्स लोडेड द ब्लंडर बसेस बुशेज विच कैन लॉन्च हार्पून्स एज फार एज अ माइल एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन वुंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स। तो हमारे जो जो आवर चीफ ऑफिसर्स लोडेड, हमारे जो चीफ ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किए, ब्लंडर बसेस मतलब एक तरीके का गन होता है वो लोड कर लिया, विच कैन लॉन्च हार्पून्स एज फार एज अ माइल, जो एक हार्पून मतलब एक शार्प वेपन होता है जिसमें रोप लगी होती है, तो वो कुछ माइल्स तक जाके उसे अटैक कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन वून एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल गन, और जो लॉन्ग डक गन्स होते हैं उसमें भी एक्सप्लोडिंग बुलेट्स डाल दी, जिससे वो पावरफुल से पावरफुल एनिमल्स को घायल भी कर सकते या तो फिर उसको मार सकते। तो उन्होंने पूरी ऐसी तैयारी कर ली थी, अपने सारे बुलेट्स वगैरह लोड कर लिए थे। नेड लैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड। तो नेड लैंड जो है उन्होंने अपने हार्पून को शार्पन किया, तेज धार कर लिया उसका, जो एक ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड, जो एक ड्रेडफुल वेपन मतलब एक शार्प वेपन उनके हाथ में था। At 6 o'clock day began to break and with the dawn's early light the animal's electric glow disappears. तो 6 o'clock day में क्या हुआ, begin to break and with the dawn early light the animal electric glow disappears. तो जो animal का electric glow था वो disappears हो गया at the 6 o'clock in the daylight. At 7 o'clock a very dense morning mist spread around us.
तो 7 बजे 7 o'clock को क्या हुआ, एक वेरी डेंस बहुत ही, और 7 o'clock के आसपास जो एक फॉग फॉग जैसा हमारे आसपास स्प्रेड हो गई थी। आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वर अनेबल टू पियर्स इट। हमारे जो बेस्ट स्पाई ग्लासेस थे उसे भी हम देख नहीं सकते थे। द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, और इस कारण से वो डिसअपॉइंट हो गए और गुस्से में आ गए। एट 8 o'clock द मिस्ट रोल्ड अवे एंड द होरिजन ग्रू वाइडर एंड क्लियरर। सडनली नेड लैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड। देयर इज द थिंग इन क्वेश्चन एस्टर्न टू पॉट द हार्पूनर शाउटेड। एवरी आई लुक्ड टूवर्ड्स द पॉइंट इंडिकेटेड। तो 8 o'clock के आसपास जो मिस थी, जो फॉग था, वो साफ होने लगी, दूर हो गई। तो जो हॉरिजन है, जो हॉरिजन मतलब दूर तक जो देख सकते हैं आसमान, और एक दूर तक दृष्टि जो रहती है, जा सकती, जितना दूर हो दूर तक देख सकते हैं उतना, तो वो क्लियर दिखने लगी। सडनली नेट लैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड। तो नेट लैंड सडनली बोल उठा कि देयर इज द थिंग इन क्वेश्चन एस्टर्न्स टू पोर्ट द हार्पूनर शाउटेड। कुछ तो क्वेश्चन है, कुछ तो है वहाँ पर। तो हार्पूनर वहाँ पर वो पॉइंट करता है कि वो बोलता है जल्दी से हार्पूनर लेके आओ। वो सब एक जगह पॉइंट करता है जहाँ पर सबके सब लोग वहाँ पर देखने लगते हैं। देयर अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रेगेट अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी इमर्ज्ड अ मीटर अबाउट द वेव्स क्विवरिंग वायलेंटली। इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट। तो देयर इज अ माइल, कुछ माइल्स पे उनकी जो फ्रिगेट शिप थी उसके कुछ माइल्स पे वो जो ब्लैक एक ब्लैकिश बॉडी दिख रही थी उनको, जो पानी के ऊपर आ रही थी वेव्स के थ्रू, ठीक है। क्वेरिंग वायलेंटली इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट। जो उनकी उसकी जो टेल थी वो करंट क्रिएट कर रही थी। द क्रू वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर। जो क्रू था वो अपने लीडर से ऑर्डर लेने का बहुत उत्सुक थे, कब वो उसके लीडर ऑर्डर देंगे। द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड्स द एनिमल। तो लेटर, यहाँ लेटर का मतलब होता है बाद में। एक लेटर होता है LETTER मतलब पत्र, और ये लेटर LATTER मतलब बाद में। तो बाद में क्या होता है कि वो केयरफुली एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं, और जो ऑर्डर द इंजीनियर, तो वो इंजीनियर को ऑर्डर देते हैं कि वो फुल स्टीम मतलब तेज़ी से उसके एनिमल के पास जाए। तो इससे फुल स्टीम्स मतलब उनका जो जहाज़ है वो एनिमल के टूवर्ड्स मतलब उसके पास जाने के पहुँचाने में फुल स्टीम तेज़ी से जा रहा था, ऐसा उसने इंजीनियर ने को ऑर्डर दिया। 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. तो जो बैटल था, जिस चीज़ के लिए ये कर रहे थे वो लोग, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले उन्होंने 3 cheers किया। जैसे हम हिप्पी फुर्रे ऐसे 3 cheers करते ना, उसी तरह किसी बैटल पे जाने के लिए उन्होंने 3 cheers किया। A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the एनिमल। फिर कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन उस एनिमल के तरफ जाने लगे। अनकंसर्न्ड द लेटर्स कम नियर, इट कॉट अप अ लिटिल स्पीड एंड केप्ट इट्स डिस्टेंस।
अब यहाँ पर जो एनिमल था वो अनकंसर्न था, मतलब उसको कोई ये चिंता नहीं थी। उसने क्या किया, स्पीड जो उनका शिप था उसको अपने पास आने दिया और फिर वो बाद में दूर चला गया। दिस चेज ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट 3/4 ऑफ एन आवर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल। तो ये चेजिंग चलती रही अबाउट 3/4 ऑफ एन आवर, ठीक है, मतलब 3/4 मतलब 45 मिनट्स के करीब करीब ये चेजिंग चलती रही एनिमल की, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो फ्रिगेट के पास आता था और वापस दूर चला जाता था, इस तरह वो चेज करता रहता था। एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट। तो इस रेट से अगर ऐसा रहा तो ऑब्वियस था कि हम उसे कभी नहीं पकड़ पाते। तो फिर उसके बाद क्या होता है, द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल। तो अब्राहम लिंकन ने भी स्पीड बढ़ाई पर और एनिमल ने भी स्पीड बढ़ाई। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर। तो नेक्स्ट आवर ये सब चलता रहा, अगले आवर तक ये सब चलता रहा। द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मास्ट ट्रेम्बल्ड डाउन टू देयर ब्लॉक्स। अब अब्राहम लिंकन ने इतने तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ाई कि उनका जो मास्ट था, मास्ट मतलब वो बोट पे एक एक्स्ट्रा का बोट लेके चलते हैं फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो उस वो भी टूट गया, इतनी स्पीड से वो बोट था। What chase? No, I can't describe the excitement that shook my very being. तो बोलते ये क्या चीज़ चल रही है, what a chase, कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी excitement है कि मैं उसे describe नहीं पा रहा हूँ, describe नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या चीज़ हो रही है उनके साथ। Ned Land stayed at his post, harpoon in hand. तो Ned Land के हाथ में harpoon वो लेके हुए थे, वो हार्पून लेके वही खड़े हुए थे। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच। बहुत टाइम में जो एनिमल था उसने उनको अप्रोच किया, उनके तरफ ऐसे अप्रोच किया, उनकी तरफ बुलाया। देन जस्ट एज द हार्पूनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द कैटासियन वुड सील ऑफ स्विफ्टली। तो जैसे ही वो इतना अप्रोच करता था, बहुत बार उसने एनिमल ने अप्रोच किया उनके तरफ आने के लिए, तो जैसे ही वो हार्पून उसके पास लेके जाते कि मारने के लिए, उसको जैसे ही उसके पास लेके जाते थे, जो कैटासियन मतलब जो वेल जैसी चीज़ थी वो गायब हो जाती थी। कमांडर फैरागट देन डिसाइडेड टू यूज़ मोर डायरेक्ट मेथड्स। तो कमांडर फैरागट ने ये डिसाइड किया कि अब डायरेक्ट ही कुछ मेथड यूज़ करेंगे। बा ही सेड सो दैट एनिमल इज़ फास्टर दैन द अब्राहम लिंकन। ऑल राइट मैट मैन द गन इन द बाओ। तो वो कहता है कि जो एनिमल है वह अब्राहम लिंकन से भी फास्टर था। ऑल राइट मैट मैन द गन इन द बाओ। तो वो अभी चलो गन यूज़ करेंगे, अब डायरेक्टली कुछ मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आवर फोरकास्टल कैनन वॉज इमिडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड। तो उनका जो कैनन था, जो बंदूक थी, तो उसको इमिडिएटली लोड किया गया और उसकी तरफ निशाना साधा गया। द कैनियर फायर्ड अ शॉट बट हिज शेल पास सम फीट अबव द कैटासियन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ। तो कैनन लोड करने के बाद जो कैनन चलाने वाला था, फायर करने वाला था, उसने फायर किया, शूट किया, तो जो उसका कैनन जो फायर करने का शेल था, मतलब जो गोली का एक शेल रहता है ऊपर, तो वो कुछ ही दूर जाके जो सेटासिन था, जो व्हेल जैसे जो एनिमल था, उसकी तरफ जाके
गिरा, पर उसको नहीं लगा, उसके पास हाफ माइल ऑफ मतलब उसके पास कुछ हाफ माइल तक गिरा। ओवर टू समबडी विथ बेटर एम द कमांडर शाउटेड। तो वो बोलता है, कमांडर बोलता है कि जो बेटर शूट करे उसको उसको ये चीज़ दो, फायर करने के लिए दो। एंड डॉलर, $500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इनफर्नल बीस्ट। तो उसको क्या देंगे, $500 का इनाम देंगे जो उसको जो इनफर्नल बीस्ट है, जो विशाल का है एनिमल है, उसको मारने के लिए उस वो $500 इनाम देंगे। काम ऑफ आई, कूल ऑफ फीचर एंड ओल्ड ग्रे बियर्डेड गनर, आई कैन सी हेम टू दिस डे, अप्रोच द कैनन, पुट इट इन पोजिशन एंड टुक एम फॉर अ गुड वाइल। फिर क्या होता है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसकी आँखों में एक शांति दिख रही थी, काम था, कूल था, ग्रे बियर्ड थी उसकी, दाढ़ी थी, ऐसा एक आदमी आता है। तो वो अप्रोच करता है कि वो उसे मार सकता है। तो वो क्या करता है, कैनन लेता है और उसको पोजीशन अपने पोजीशन में सेट करता है और वो एम लेता है और वो फिर शूट करता है। तो देर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल विद चीयर्स फ्रॉम द क्रू। तो फिर सारे क्रू मेंबर्स जो है वो चीयर करने लगते हैं, इतना चीयर करने का एक्सप्लोजन जैसे हो जाता है। द शेल रीच्ड इट्स टारगेट, इट हिट द एनिमल बट बाउंस्ड ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश्ड इनटू द सी 2 miles आउट। तो वो जो बूढ़ा आदमी जब उस पर शूट करता है टारगेट को, तो वो हिट करता है एनिमल को, ठीक है, लेकिन वो बाउंस होके उसके जो बॉडी इतनी राउंड और मोटी चमड़ी रहती है कि वो उसके अंदर भेद नहीं सकता था, वो गोली गई नहीं और वो बाउंस होके समुंदर में 2 miles में वो वैनिश हो गई, मतलब गायब हो गई। ऑन डार्ट सेट द ओल्ड गनर इन हिज एंगर। ओ डार्ट, तो वो गुस्सा हो जाता है और अपना वो जो गनर है ओल्ड गनर, वो गुस्सा हो जाता है, ओ नो ओ गॉड ऐसा बोलता है। दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट। वो जो मॉन्स्टर है उसकी जो कवर है, ऊपर का जो चमड़ी है, वो 6-inch आर्मर प्लेट मतलब एक बहुत मोटी चमड़ी वाला वो एनिमल है, तो इसलिए वो उसे मार नहीं सका, उसके अंदर जो गोली थी वो जा नहीं सकी, इतनी मोटी चमड़ी वाला वो एनिमल था। द हंट वॉज ऑन अगेन, आवर आफ्टर आवर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ वेरीनेस। हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली। और फिर जो हंट था मतलब जो शिकार था वो होता रहा आवर आफ्टर आवर, एक घंटे बाद, हर घंटे बाद वो उसको शूट करते रहे, पर वो जो बीस्ट था मतलब जो एनिमल था वो कुछ भी ऐसे साइन नहीं दिखा रहा था कि वो थक गया है। हाउएवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली। तो ये भी कह सकते हैं कि हम भी इतना स्ट्रगल कर रहे थे बिना थके हुए, बिना थकावट के। At 10:50 in the evening, that electric light reappeared 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before. तो शाम को 10:50 in the evening, तो जो electric light थी वो वापस से उनकी frigate की तरफ आ रही थी, 3 miles away from the frigate, 3 miles away थी उनकी frigate से, तो वापस से वो जो रोशनी है उनको दिखाई दी। जस्ट एज क्लियर इंटेंस एज द नाइट बिफोर, जो उसके पहले वो दिख रही थी जैसे वैसे ही अभी भी दिख रही थी। द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस, वॉज इट अस्लीप परहैप्स वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे, जस्ट राइडिंग विद द वेव्स।
दिस वॉज आवर चांस एंड कमांडर फैरोगट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट ही गेव हिज ऑर्डर। जो मॉन्स्टर था वो कैसा दिख रहा था, मोशनलेस दिख रहा था, मीन्स उसमें कोई हलचल नहीं थी, वो वैसा का वैसा वहाँ पर दिख रहा था। इट वॉज इट असली परहैप्स वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे। तो वो कमांडर कहता है कि कहीं वे सो तो नहीं गया है, पूरे दिन भर के काम से कहीं वो सो तो नहीं गया है। जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, वेव्स जैसे चल रही थी वो वैसे ही मूवमेंट उसकी हो रही थी, मतलब वो वैसे ही वेव्स के साथ चल रहा था। दिस वॉज आवर चांस एंड द कमांडर फैरोगेट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। तो ये हमारा बहुत अच्छा चांस है, तो कमांडर फैरोगेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो वो ऑर्डर देते हैं। द फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड स्टॉप्ड टू केबल लेंथ्स फ्रॉम द एनिमल। अ प्रोफाउंड प्रोफाउंड साइलेंस रिग्नेड ओवर द डेक। तो फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड, तो फ्रिगेट जो है वो बिना कुछ आवाज़ किए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो स्टॉप्ड टू केबल्स लेंथ फ्रॉम द एनिमल। तो वो सिर्फ दो केबल लेंथ के डिस्टेंस पे उस एनिमल के पास रुकते हैं। फिर अ प्रोफाउंड साइलेंस रिगेंड ओवर द डेक। एक बहुत बड़ा साइलेंस वहाँ पर महसूस हो रहा था, फील हो रहा था। रिगेंड मीन्स फील। वी वर नॉट 100 feet फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट। हम 100 feet दूर भी नहीं थे उस जो वो जो चमकता हुआ लाइट था उससे, हम 100 feet दूर भी नहीं थे। तो वो हुज ग्लो ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड डैजल्ड द आइज। तो उसकी जो लाइट थी, वो जो एनिमल था उसकी जो लाइट थी, वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो हमारे आँखों को चुभ रही थी। जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोरकासल रेलिंग आई सॉ नेड लैंड बिलो हिम बिलो मी ब्रैंडिशिंग This dreadful harpoon, barely 20 feet separated from him from the motionless animal. मैंने देखा कि मेरे नीचे नेटलैंड मेरे नीचे है, वो लेटे हुए थे और वो हार्पून को तैयार कर रहे थे। Barely 20 feet separated from the motionless animal, just 20 feet दूरी पे वो लोग थे उस मोशनलेस एनिमल के पास। जस्ट 20 feet की दूरी पर ही थे वो लोग। हाँ, फिर ऑल एट वंस हिज आर्म शूट फॉरवर्डेड एंड द हार्पून वॉज लॉन्च्ड। फिर ऑल एट वंस हिज आर्म शूट फॉरवर्ड, तो उसने अपने हार्पून फॉरवर्ड बढ़ाए और वो उस हार्पून से उसको लॉन्च किया, मतलब उससे फायर किया। आई हर्ड द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस। तो मैंने सुना वेपन जो है वो रिंगिंग साउंड कर रहा है, जैसे किसी हार्ड सब्सटेंस को जब हिट करते हैं, मारते हैं, तो एक रिंगिंग साउंड आता है। वैसे वो उसने वेपन की जो मारने के बाद जो आवाज़ आई वो रिंगिंग जैसे साउंड उनको सुनाई दिया। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट एंड टू एनॉर्मस वाटर स्पाउट्स क्रैश्ड ऑनटू द डेक ऑफ द फ्रिगेट रेसिंग लाइक अ टॉरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर टॉपलिंग क्रू मैन ब्रेकिंग स्पेयर मास एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लैश। दो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो सडनली चली गई और जो टू एनॉर्मस वाटर स्पाउट्स थे वो भी, जो बड़े बड़े वाटर स्पाउट्स थे वो क्रश हो गए हैं। और फिर जो रेसिंग लाइक अ टॉरेंट क्रश ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिजेट, ठीक है, उस पर जो फ्रिजेट पे वो वाटर स्पाउट्स क्रश हो गए। रेसिंग लाइक अ टॉरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर, ऐसे लग रहा था जैसे वो रेस इतना जो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रेस कर रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड के शिप तक, ऐसे क्रश ऐसे जोरदार उनको धक्का लगा, क्रश हो रहे थे। टॉपलेस
टॉपलिंग क्रू मेंबर्स, तो उससे क्रू मेंबर्स भी ऐसे हिल हिल के गिर गए, ब्रेकिंग स्पेयर मास एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लैशिंग। मतलब जो स्पेयर पार्ट्स थे, जैसे जैसे मैंने बताया मास, तो मतलब छोटे नाव या वहाँ जो लगी हुई चेन होती है, वो सब ऐसे ब्रेक हो गए, जो स्पेयर पार्ट्स थे वो ब्रेक हो गए, इतनी ज़ोरदार उसको क्रश हुई, जिससे वो सब चीज़ें क्रश हो गई, कुछ चीज़ें और क्रू मेंबर्स भी गिर गए। अ हिडियस हाइडियस कॉलिजन ऑकर एंड थ्रोन ओवर द रेल विथ नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट, आई वॉज हर्ल्ड इंटू द सी। अ हिडियस कॉलिजन ऑकर, मतलब एक भयानक ऐसे कॉलिजन मीन्स टकरा के जो चीज़ें होती है वो हुई, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें थ्रोन ओवर हो गई, रेल टूट गई, उस चेन टूट गई, कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ को पकड़ने का ताकि अपने आप को बचा सके। और आई वॉज हर्डल इन टू द सी, और मैं भी सी में गिर गया। तो ये थी एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड चैप्टर, जिसमें कैसे एक फ्रिजिड और क्रू मेंबर्स एक मॉन्स्टर से उनका आमना सामना होता है और किस तरह चेजिंग होती है उस मॉन्स्टर्स के साथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर चेजिंग द सी मॉन्स्टर। तो बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।